क्वेश्चन है कि ये कोई एक साधक हैं जो आपकी गाइडेंस में पिछले कुछ दो तीन वर्षों से साधना कर रहे हैं और कुछ चीजें उन्होंने मतलब फॉलो करी हैं और कह रहे हैं कि व्हाइल मेडिटेटिंग नाउ आई हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड गेट एम्प्टी स्पेस और एम्प्टीनेस ड्यूरिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस एज वेल एज व्हेन आई एम अलर्ट ड्यूरिंग द डे द अवेयरनेस एंड एम्प्टीनेस आर नोटिस्ड नाउ ही इज रिक्वेस्टिंग फॉर योर फर्दर गाइडेंस जो बियॉन्ड अवेयरनेस एंड एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस शब्द है ना, इसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन क्या है वो मुझे मालूम नहीं कि साधक वो क्या महसूस कर रहे हैं और किसको एम्प्टीनेस कह रहे हैं। तो वो थोड़ा एक शब्द जो है वो उसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो साई फॉरेस्ट ट्रेडिशन की जो जैसे साधना की जैसे हम सीख रहे हैं अजानों से, लुम्पर सुमेदों से, अजान अमरों से और अन्य टीचर्स से, तो उसका मुख्य जैसे हम अजान चाह के टीचिंग भी पिछले दिन शाम को पढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो मुख्य बात यह है कि हम देख पाए कि जो चित्त के कंटेंट्स हैं और चित्त जो हमारी जानने की क्षमता है वो भिन्न है। उसको अगर हम भिन्न देख पाए तो काफ़ी बहुत बड़ी बात हो जाती कि हम चित्त में जो भी उठ रहा है, चाहे राग है, चाहे द्वेष है, चाहे मोह है, चाहे किसी भी तरह का परिस्थिति है, भ्रम है, हमारी क्षमता टूट रही है, हमारे को बहुत गुस्सा आ रहा है, हमको बहुत बेचैनी हो, कुछ भी हो रहा है, वो चित्त का कंटेंट है और वो अनित्य है, दुख है, अनात्म है। कि हमारी क्लैरिटी इतनी हो जाए कि वो कंटेंट हमारे को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, हम देख रहे हैं उसको ऐसा है। तो जो देखने वाली क्षमता है जिसे प्योर वेकंड अवेयरनेस कह लीजिए, प्योर चित्त कह लीजिए, थाई ट्रेडिशन में बुद्धो उसे कह देते हैं या पथाई भाषा में पूर्व कहते हैं अजान चा उसको। तो जो हमारी बेसिक नोइंग एबिलिटी है, जो हमारा चेतन तत्व है, जो हमारी लाइफ फोर्स है, जिसका मैनिफेस्टेशन इस रूप में होता है कि हम जानते हैं। तो जब तक जब हम जागृत हैं तभी हम जानते हैं। तो उसी को इसलिए अजान सुमे दो उसको कहते हैं आर यू कॉन्शियस, वो पूछते रहते हैं बीच बीच में आर यू कॉन्शियस नाउ, यस, सो देन वॉट इज हाउ डू यू नो इट, आई डोंट नो बट आई नो इट, देर इज नो वे आई कैन टेल यू हाउ आई एम कॉन्शियस बट आई इंट्यूटिवली नो इट। तो वो हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि ये चीजें इंट्यूटिवली जानी जाती हैं, डायरेक्ट परसेप्शन से जानी जाती है, ये ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जानी जा सकती। कि मैं जो मेरा चेतन तत्व है, जो मेरा सब्जेक्ट है, उसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो इसलिए उसमें थोड़ी डेलिकेट बात रहती है, उसको समझने की डेलिकेट बात रहती है, क्योंकि एक्सपीरियंस की बात है, इंट्यूटिव एक्सपीरियंस की बात है। तो उसको अगर हम साधना को उस तरह उस दिशा में ले जाएं, तो जो एम्प्टीनेस की बात है या शून्य की बात है, उसका मतलब यही है कि चित्त में कुछ उठा और समाप्त हो गया। जब समाप्त हो गया तो अवेयरनेस है और चित्त में कुछ नहीं है। जब चित्त में कुछ नहीं है फिर भी अवेयरनेस बनी हुई है, जो मेंटल कंटेंट जीरो है बट अवेयरनेस इज देयर, देन इट इज सेट टू बी क्या कहना चाहिए, मिनी स्कूल एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्टीनेस। That there is no object, तब objectless awareness है। तो emptiness का तात्पर्य जो जिस sense में कहा जा रहा है objectless awareness का मतलब। तो वो उस तरह के अनुभव जो हों, और हम चित्त और चैतसिक को, चित्त और मन के जो अंदर जो उठती रहती हैं चीजें, उनको अलग अलग करके देख सकें ताकि वो एक दूसरे पे असर ना डालें। हमारी प्रज्ञा इतनी पुष्ट हो जाए कि जानते हैं ये तो परिस्थितियों के हिसाब से कंडीशन अराइजिंग हो रही है, ये होती रहती है, कभी गर्मी आती है, कभी तूफान आता है, कभी बारिश आती है, चलता रहता है। जानने वाला तो है वो, उससे बदलता नहीं है। अगर लोभ है, मैं लोभ को जानता हूँ तो मैं लोभी नहीं हूँ। जो जानने वाला है, जो लोभ को जानने वाला है वो लोभी नहीं है, जो गुस्से को जानने वाला है वो गुस्सा वाला नहीं है। तो इस सेंस में हम क्लैरिटी से उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं तो फिर हमारी साधना काफी आगे बढ़ने लगती है, तो अनात्म बोध सचमुच में पुष्ट होने लगता है। तो दैट शुड बी दी कुड बी अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मैं साधना ठीक डायरेक्शन में।